हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माता की चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। इस रूप में माता के 10 हाथ होते हैं, जिसमें क्रमशः कमल का फूल, गदा, धनुष, बाण, कमंडल और त्रिशूल होता है। शेष पूजा में माता एक हाथ में आशीर्वाद और दूसरे हाथ में भव्य मुद्रा होती है, तथा अपने 10वें हाथ को माता अपने हृदय पर रखती है। माता के सिर में एक आधे चंद्र घंटा का निशान होता है, जो राक्षसों को भय प्रदान करता है, तो वहीं भक्तों को कष्ट से मुक्त कराता है। दोस्तों, इस रूप में माता के गले में सफेद फूलों की माला और रत्न जड़ित आभूषणों से माता सुशोभित होती है। माता के इस रूप को दूध और दूध से बने हुए पदार्थों का भोग चढ़ाया जाता है। दोस्तों, माता के इस रूप का वाहन बाघ है। सारे बाघ है कष्टों का निवारण हो जाता है और उन भक्तों का मन बहुत शांत रहता है। दोस्तों, चंद्रघंटा माता की पूजा का मंत्र चंद्रघंटायो नमो नमः है। दोस्तों, अब ये थी चंद्रघंटा माता की पूजा की कहानी और चंद्रघंटा माँ की कहानी। दोस्तों, कल के वीडियो में मैं आपको माता के चौथे रूप कुष्मांडा रूप की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।